हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में सोमवार के दिन सियासी गर्मी छाई रही। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर किया और ये कहा कि वर्चुअल रैली ही नहीं, एक्चुअल जवाब चाहिए जनता को। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन है बातचीत करने के लिए। करीब 3 घंटे का भाषण जिसमें उन्होंने बनाम 15 साल, 15 साल बनाम 15 साल का जिक्र किया, लेकिन सर सवाल तो वही है ना कि इस 15 साल में जो जनता ने काम किया उस पर चर्चा की जानी चाहिए थी। बाकी के 15 साल क्या हुआ, इसका जिक्र क्या करना है? तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं कि बासी पन्ने पलटने से क्या फायदा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये पूरी तरह से संबोधन बेहद संतुलित था। 15 वर्षों के शासन की जो उपलब्धियां हैं ये अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं और निसंदेह इनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। आजादी के 70 वर्षों में ये 15 वर्षों का कालखंड एक स्वर्णिम अध्याय है बिहार का। उन्होंने अपनी बातचीत में जो कुछ भी कहा है उसमें उन्होंने आधारभूत संरचना, कानून व्यवस्था और आधारभूत संरचना के अलग अलग हिस्सों को काफी बारीकी के साथ उन्होंने रखा, जिसमें सड़क, बिजली, पहले जो बिहार के हालात थे और आज जिस तरह से सिंचाई से लेकर के तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार ने काम किया, जल जीवन हरियाली के कालजयी युगांतकारी कार्यक्रम के जरिए जो पर्यावरण से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उसके समाधान की दिशा में जो उन्होंने काम किए, और कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष ने जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की, उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए जो परोसा गया झूठ है उसको उन्होंने नकारा, और कहीं ना कहीं जब हम ऐसी बातें रखेंगे तो शासन के दो मॉडल्स की चर्चा होगी। इसलिए कि राजद या दूसरे दल अगर इस शासन को विफल बता रहे हैं, कानून व्यवस्था के सवाल पर नीतीश कुमार जी को घेरने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें ये बताना ही पड़ेगा कि आपसे बेहतर हम कैसे हैं, और न केवल बेहतर है, कोई मुकाबला ही नहीं है। बताइए कि आप बार बार 15 साल का जिक्र क्यों करते हैं? नीतीश कुमार जब से बिहार में है तब से क्या क्राइम रेट कम हुआ है? अगर आप कहेंगे हाँ तो मैं आपको याद दिला दूं कि मुजफ्फरपुर में जिस लड़की का अपहरण हुआ है उसको आप क्या कहेंगे? तो क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है और आप इसका जिक्र ना करते हुए, अपनी नाकामियों को छुपाते हुए अगर बीते 15 साल का जिक्र करेंगे तो ये कहां से मुनासिब है? देखिए, अगर 1-2 घटनाओं के आधार पर कानून व्यवस्था को कोई विफल बताए तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एनसीआरबी के आंकड़े क्या कह रहे हैं, प्रति लाख व्यक्तियों पर संज्ञेय अपराध के मामलों की तालिका में बिहार 23वें नंबर पर है। दूसरी तरफ महिलाओं के उत्पीड़न की जो तालिका है उसमें हमारा राज्य 29वें नंबर पर है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामले में बिहार 33वें नंबर पर है। देश की आबादी का दूसरा बड़ा प्रांत है बिहार। इसके बावजूद देश के ज्यादातर राज्यों से बिहार में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बेहतर है, और इसीलिए उन्होंने अगर सवाल दागने वालों के खिलाफ जो बातें कही हैं उनको आईना दिखाया है कि तुम जो कर रहे थे और आज जो हो रहा है उसका फर्क बिहार की जनता समझ रही है। अगर विपक्ष को समझ में नहीं आए तो ये बताना पड़ता है कि तुम्हारे शासन में क्या हुआ और आज क्या हुआ। मतलब आप ये मानते हैं कि बिहार में, खैर आप तो मानेंगे ही, आप जेडीयू से हैं, कि बिहार में जो वाकई काम हुआ है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव ने ठीक रैली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई मुद्दों पर सरकार से सवाल किया है, मैं उन्हीं के सवालों को अगर लूं तो बिहार में सुशासन नहीं है, राक्षस राज है, और हाईकोर्ट का उन्होंने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि इन लोगों ने ही कहा कि आप जो है वो आपके राज में जो है वो अशोभनीय है, अमानवीय है बिहार सरकार, इन सब चीजों के मुद्दों का जिक्र किया। और उनका यह भी कहना था कि जितनी नीतीश कुमार की राजनीतिक अनुभव नहीं है, मतलब जितना अनुभव है उससे कम तो मेरी उम्र है, और फिर भी जो है वो जेडीयू जो है वो लगातार आरजेडी को गाली दे रही है, तो इसको क्या कहेंगे? इन सभी सवालों को अगर एक तरीके से देखा जाए तो आरजेडी के जो भी सवाल है उस पर जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सबसे पहले आरजेडी की उम्र, तेजस्वी यादव को अगर खुद को आरजेडी समझने की गलतफहमी है तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं, लेकिन एक अराजक संस्कृति के बारे में नीतीश कुमार जी ने कहा है। तेजस्वी यादव उस अराजक संस्कृति के वाहक हैं, उसके प्रतिनिधि हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी को खुद मान लिया है, स्वयं के रूप में वो पार्टी को देखते हैं,
तो जो एकाधिकारवादी प्रवृत्ति है उसका इससे बड़ा कोई प्रतीक नहीं हो सकता है। जहां तक उन्होंने बेरोजगारी को लेकर के सवाल खड़े किए, पलायन को लेकर के सवाल खड़े किए और कानून व्यवस्था को लेकर के सुशासन पर उन्होंने सवाल खड़े किए। सुशासन के बारे में मैंने आपको आंकड़ों के साथ बताया कि आज देश का सच क्या है और बिहार कहां ठहरता है। दूसरी तरफ लालू जी के शासन के जो अविभाजित बिहार का 10 वर्ष है और 5 वर्ष जिसमें बिहार का विभाजन हुआ था, इन 15 वर्षों में कुल 93,000 नौकरियां उन्होंने दी थी और 7.25 लाख नौकरियां नीतीश कुमार जी के 15 वर्षों के शासन में दी गई हैं सरकारी नौकरियां। उसके बाद आउटसोर्सिंग के जरिए लगातार नौकरियां दी जा रही हैं और पिछले दिनों अगर आप देखेंगी तो जितने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए एक बड़ी राशि को स्वीकृति दी गई और उसके नतीजे दिख रहे हैं। सिंचाई से लेकर के तमाम परियोजनाओं में लाखों लोगों को रोजगार मिले हैं। तो जो दो आरोप उनके प्रमुख आरोप हैं उसका जवाब तो बिल्कुल साफ है और पलायन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं है राजद को बात करने का, इसलिए कि उस दौर में इंजीनियर, डॉक्टर्स, उद्योगपति जिस तरह से बिहार से जा रहे थे, लोगों को सुरक्षित खुद को महसूस करने में कठिनाई हो रही थी। माएं उस समय मन्नते मानती थी कि जो बच्चे जा रहे हैं वो सकुशल लौट जाए और उस दौर से अगर वो आज सुशासन पर सवाल खड़े करेंगे उसका सीधा रिश्ता पलायन से है और लाखों लोग उस दौर में लौट करके गए। इस वक्त पलायन रुक गया है क्या? ऐसा हुआ है क्या कि बाहर के लोग वापस आ गए? आंकड़े हैं, देखिए पंजाब और हरियाणा के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो बिहार से पहले जाने वाले लोग थे और अब जो जाने वाले लोग हैं उन आंकड़ों का एक कंपैरेटिव फिगर आप देख लीजिए, फर्क आपको दिख जाएगा। पलायन तो यहाँ सदियों से होता रहा है, मॉरिशस, गुयाना, सुरिनाम, बिहार की धरती से, हिंदुस्तान से सात समंदर पार लोग जाते रहे थे। पलायन की एक क्रमिक जो प्रक्रिया रही है, जिस तरह से आजादी के बाद माल भाड़ा समानीकरण ने, जिसके लिए कांग्रेस दोषी है, बिहार में औद्योगिकरण को पूरी तरह से ग्रहण लग गया और उसके बाद जब माल भाड़ा समानीकरण वापस हुआ तो लालू जी का शासन 15 वर्ष बिहार में रहा। तो ये दो जो दौर हैं इसमें बिहार में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, पलायन कम हुआ है, लगातार जो आंकड़े हैं वो पहले से बेहतर हुए हैं। सवाल तो वही है ना कि कांग्रेस और आरजेडी को कब तक आप जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? पलायन हुआ, अभी भी पलायन नहीं रुका। एक और सवाल है, चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि आप दलितों को एक तरफ नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, आपके पुराने वादे, तो मतलब कहने का ये है कि एनडीए खेमे से ही अगर आवाज उठ रही है सीएम नीतीश कुमार पर तो इसको लेकर के ये तो सब कुछ सही नहीं है। मतलब एनडीए खेमे में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, मांझी को ले आए हैं, एक तरफ अलग दबाव जो है राजनीतिक दबाव बनता जा रहा है। अगर आर्काइव में चले जाएंगे तो उनके सवालों का जवाब उनके पिता श्री रामविलास पासवान के बयानों से मिल जाएगा। कई बार वो नीतीश कुमार जी के शासन की शैली की तारीफ कर चुके हैं, अब इसकी वजह तो वो बेहतर बताएंगे। लेकिन आजादी के इन 70 वर्षों में ये 15 वर्ष बिहार के सुनहरे अध्याय के तौर पर देखा जाएगा और दलितों ही नहीं समाज के तमाम कमजोर तबकों के लिए नीतीश कुमार जी के इन 15 वर्षों में जो कार्य हुए हैं उसकी तुलना राजद या उसके पहले उनके मित्र कांग्रेस के सरकारों से नहीं की जा सकती है। जो तमाम मुद्दे हैं उन पर उन्होंने, राजीव रंजन जी ने अपनी बात रखी। बहरहाल चुनाव है और चुनाव को लेकर के आज वर्चुअल रैली की सीएम नीतीश कुमार ने और अपने 15 साल के विकास के दावों की भी उन्होंने लेखा जोखा दिया और अगले जो अगर वो उनकी सरकार बनती है तो क्या रोड मैप रहेगा इसका भी जिक्र किया है। लेकिन ये जनता है और जनता के हाथ में सब कुछ है, सत्ता की चाबी भी। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।